बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस कहाँ तक देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल शाहिंस कुकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मक्खन। इस बड़े डब्बे में मैंने मलाई इकट्ठी करके रखी हुई है। भलाई रोज़ाना 2 किलो दूध लेकर आते हैं और उसे मलाई इकट्ठी करके रखी हुई है। ये एक बड़ा डब्बा है और एक दूसरा छोटा डब्बा है जिसमें मैंने मलाई इकट्ठी करके रखी हुई है। सबसे पहले बड़े पतीले में मैंने 2 डब्बे जो मलाई के थे मैंने शामिल कर दिए हैं। अब मैं दही शामिल करूँगी। अब दही मैंने शामिल कर दिया। अब मैं जाग लगाऊंगी। इसे जाग लगा के रख दिया था, अब ये जम चुका है। अब इसका मक्खन और लस्सी बनाएंगे। अब जूसर में इसका मक्खन और लस्सी बनाएंगे। अब मक्खन तैयार हो गया है, देखिए किस तरह खूबसूरत खिला खिला हुआ है, और बाकियों को भी इसी तरह ही बनाएंगे। माशाल्लाह से हमारा मक्खन तैयार हो गया है। अब हमारा मक्खन और लस्सी तैयार हो गया है। अब मैं मक्खन को डब्बे में डालकर दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारा मक्खन तैयार हो गया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।